There is one thing that I want to show you, जिसको देखने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू प्रकाश पैराडाइज। आज मुझे जाना है फ्रॉम देहरादून टू लखनऊ। पहले मैं सोच रहा था कि मैं मुरादाबाद के थ्रू जाऊंगा, विच इज अबाउट 600 किलोमीटर्स, बट जो नंबर ऑफ आवर्स दिखा रहा था दैट वॉज अबाउट 12 आवर्स ऑफ जर्नी। 12 घंटे की तो ड्राइविंग जर्नी थी, इसके अलावा अगर हम रुकेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली 13-13.5 घंटा जरूर लग जाता। बट वाया दिल्ली दिखा रहा था अप्रॉक्सीमेटली 10.5 घंटे, बट जो नंबर ऑफ किलोमीटर्स थे वो 200 किलोमीटर्स एक्स्ट्रा थे। बट आई फाइनली डिसाइडेड कि आई विल बी गोइंग वाया दिल्ली टू लखनऊ, क्योंकि उसका रास्ता भी अच्छा है एंड आई विल बी मोर कम्फर्टेबल इन दैट जर्नी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी और हम चेक करेंगे कि हमारी महिंद्रा थार 4x2 कितना माइलेज देती है। उससे पहले मैं आपको अपने गाड़ी में कितना लगेज है वो भी दिखा देता हूँ। वी आर टू ऑन बोर्ड। सो गाइस, हमारी गाड़ी में लगेज एकदम फुल है एंड आई थिंक इतना लगेज तो बहुत कम लोग लेके चलते हैं, बट इससे आपको काफ़ी हद तक आइडिया लग जाएगा कि गाड़ी माइलेज कितना देगी इन अ रियलिस्टिक कंडीशन। मैंने ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर पहले गाड़ी में पेट्रोल फुल कराया है। अब मैं ट्रिप बी को क्लियर कर दे रहा हूँ ताकि एकदम प्रॉपर आइडिया लगे। थार को पहाड़ों पे चलाने के बाद एक बात मैंने ज़रूर रियलाइज़ करी, वो ये थी कि जैसे हम जब कर्व्स पे गाड़ी को मोड़ रहे हैं तो मुझे बहुत कॉन्फिडेंस मिल रहा है गाड़ी को चलाते वक्त, और ऐसा नहीं फील हो रहा है कि गाड़ी इधर उधर भाग रही हो। बट देर इज़ वन नोटिसिएबल थिंग दैट आई वुड लाइक टू टेल यू कि इस गाड़ी में वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा है। द फील ऑफ दिस कार इज़ वेरी गुड और काफ़ी मज़ा आता है इसको चलाने में। ऐसा नहीं लगता है कि कोई एक नॉर्मल व्हीकल चला रहे हैं। यू डेफिनेटली फील दैट यू आर ड्राइविंग समथिंग डिफरेंट। थार रियर व्हील ड्राइव का गियर सिस्टम इतना अच्छा है कि पहाड़ों पर ड्राइव करते वक्त आपको बार बार गियर नहीं चेंज करना पड़ रहा है। मान लीजिए आप 4th गियर पे भी हो तो गाड़ी आसानी से उठ जा रही है, आपको बार बार ये नहीं हो रहा है कि 4th से 3rd लगाओ, 3rd से 2nd लगाओ, आराम से गाड़ी उठ जा रही है एंड दैट इज़ रियली हेल्पिंग मी इन अ कम्फर्टेबल ड्राइव ओवर द हिल्स। 50 किलोमीटर कवर हो चुके हैं एंड देर इज वन थिंग दैट आई वॉन्ट टू शो यू, जिसको देखने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। हैव अ लुक। द माइलेज इज शोइंग 24.3 एंड द डिस्टेंस टू एम्प्टी इज शोइंग 948 किलोमीटर्स। अब इस बात में कितनी सच्चाई है ये हमें एंड में ही पता चलेगा। So guys, I have covered about 273 kilometers, 498 kilometers बचे हैं और डिस्प्ले पे जो माइलेज शो कर रहा है दैट इज 20 किलोमीटर्स पर लीटर। 600 किलोमीटर्स इज डिस्टेंस टू एम्प्टी। आफ्टर ड्राइविंग फॉर सो लॉन्ग आई हैव रियलाइज 3 things। पहली चीज, 6th गियर पे इस गाड़ी का जो ओवरटेकिंग के लिए एक्सेलरेशन है वो काफ़ी अच्छा है, सो यू विल हैव नो प्रॉब्लम वाइल ओवरटेकिंग ऑन हाईवेज। द सेकेंड थिंग इज कि ये जो एरिया है दिस इज़ वेरी कम्फर्टेबल वेन यू आर जस्ट कीपिंग योर हैंड ऑन अ हाईवे, बट द इशू इज कि ये हार्ड प्लास्टिक है एंड इट इज़ रियली हर्टिंग, सो यहाँ पर हमें कुछ सॉफ्ट टच मटेरियल लगवाना पड़ेगा। क्लच के लेफ्ट में डेड पेडल ना होने की वजह से आई एम फेसिंग लॉट ऑफ इशूज एज टू हाउ शुड आई कीप माई लेग। मुझे अपने क्लच के नीचे पैर रखना पड़ रहा है। ये जो पोर्शन है ये काफ़ी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस कर रहा है और हमें फ्यूचर में ये देखना पड़ेगा कि हम इससे आने वाली हीट को हम कैसे मिनिमाइज करते हैं। गाड़ी इस समय है 6th गियर में और जो 2000 RPM पे स्पीड आप चला सकते हैं एट एग्जैक्टली 2000 RPM दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 88 किलोमीटर्स एंड आई थिंक इसी पर गाड़ी का माइलेज भी बहुत अच्छा आएगा। एंड आई एम ड्राइविंग एट अ स्पीड अराउंड 85 to 88 ऑल द टाइम ऑन दिस एक्सप्रेस वे। हो चुकी है एकदम ट्रैफिक फ्री और अब मैं यूज कर रहा हूं क्रूज कंट्रोल। आई हैव कवर्ड अबाउट 386 किलोमीटर्स, 387 किलोमीटर्स बचा है और जो माइलेज शो कर रहा है दैट इज 20.1। सो हमने कंप्लीट कर लिया है यमुना एक्सप्रेसवे एंड नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे। एक बहुत ही फनी चीज़ नोटिस करी महिंद्रा के सन वाइज़र के बारे में और वो ये है
कि इनकी जो विंडो है वो बहुत बड़ी है, बट जब हम सन वाइजर को खोल रहे हैं और ऐसे लगा रहे हैं तो यहाँ तक के लिए कोई ऑप्शन नहीं है, कोई एक्सटेंडर नहीं है अंदर की ओर, और आई डोंट नो व्हाई इन्होंने ऐसा बनाया है, यहाँ से भी नहीं खींच पा रहा है। अल्टीमेटली व्हाट डू दे थिंक कि यहाँ से सन की लाइट नहीं आने वाली है, दैट्स क्वाइट फनी एंड स्ट्रेंज आई वुड से। सो गाइस 207 किलोमीटर बचे हैं और यहाँ पर शुरू हो चुकी है बारिश। हमने कवर कर लिया है 650 किलोमीटर और 135 किलोमीटर्स टू गो, और डिस्प्ले पे जो माइलेज शो कर रहा है दैट इज 19.8। डीजल काफी कम हो गया है तो अभी हम 2000 रुपए का डीजल बनवाएंगे और उसके बाद फिर घर के पास अल्टीमेटली टंकी फुल कराएंगे और चेक करेंगे कि गाड़ी ने कितना माइलेज दिया। सो गाइस फाइनली हमारी ट्रिप कंप्लीट हो चुकी है एंड वी हैव कवर्ड 781 किलोमीटर्स और डिस्प्ले पे जो माइलेज शो कर रहा है दैट इज 19.8। और अब हम टैंक टू टैंक माइलेज चेक करेंगे। मैं समरी बता देता हूँ अपनी ड्राइव की। मैंने कवर किया देहरादून टू लखनऊ, किलोमीटर्स मैंने कवर किया 781 किलोमीटर्स, जो मैंने स्पीड रखी दैट वाज 80 to 95, आई डिड नॉट गो अबव 95, जो मैंने डीजल कंज्यूम करा दैट वाज 44.23 लीटर्स, और दो लोग गाड़ी में बैठे थे, चार सूटकेस थे और अनगिनत छोटे छोटे बैग्स थे, और जो मुझे माइलेज फाइनली मिला दैट इज 17.65 ऑन माय महिंद्रा थार 4x2 डीजल एलेक्स मैनुअल वर्जन, एंड आई थिंक द माइलेज फिगर्स आर क्वाइट गुड एंड आई एम वेरी सेटिस्फाइड विद द परफॉर्मेंस ऑन द हाईवे। इन जनरल मैं हाइवे पे इसको नहीं ड्राइव करने वाला हूँ। सो गाइस वीडियो कैसा लगा डू लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो एंड टू सब्सक्राइब टू माय चैनल इफ यू हैवंट डन ऑलरेडी। मैं महिंद्रा थार से रिलेटेड बहुत से वीडियो के साथ आने वाला हूँ और कार एक्सेसरीज के वीडियोज भी कंटिन्यू रहेंगे। हैव अ ग्रेट डे, एंजॉय योर लाइफ एंड कीप स्माइलिंग।